हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी खास है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते रहते थे, इसराइल भाई फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट का हम लोग क्रेडिट कैसे चेंज करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ, कोई भी टेम्पलेट हो ब्लॉगर का, आप उसे बहुत ही आसानी से उसका क्रेडिट को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से चेंज किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए या वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ़ सबसे पहले उठा पाएँ। तो चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारे पास एक ब्लॉग है, सिंपली मैं इसका क्रेडिट यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। दुनिया का कोई भी ब्लॉग हो, अगर वो ब्लॉगर पे है तो आप बहुत ही आसानी के साथ क्रेडिट को चेंज कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्रेडिट है इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सिंपली आप इसे ही चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट आपका साइड ओपन नहीं होगा और इसका साइड ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसे ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, ये साइड यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे ओपन करके रखा हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थीम के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप लोग थीम के ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको एडिट HTML के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे करोगे तो आपका थीम जो है वो HTML कोडिंग में एडिट हो गया है। अब दोस्तों यहां पे जो आपको करना है वो यहां पे आप डीपली देखें, तभी दोस्तों आप यहां पे कर पाएंगे। अब दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली आप यहां पे नीचे आएँ और इसे यहां से आप लोग कॉपी कर लें, ठीक है, कॉपी कर लें। आपके टेम्पलेट में शुरू में जो कोई भी यहाँ पर नाम होगा उसे यहाँ पर आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो जानिए, यहाँ पे कंट्रोल एफ़ दबाना है। कंट्रोल एफ़ दबाने के बाद ये सर्च बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको उसे पेस्ट करना है जिसे आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसे पेस्ट करें, ठीक है, पेस्ट करने के बाद इंटर दबाएं। इंटर दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिकेट कर दिया गया है। अगर आप इसे चेंज करना चाहेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल रिव्यू हमने लिख के रखा हुआ है लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप देखें, यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आपके टेम्पलेट में ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना माउस ले जाना है और आपको यहाँ पे इंटर मारना है दो बार, ठीक है, दो बार हमने यहाँ पे इंटर मार दिया है। अब दोस्तों आपको जाना है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको उसे कॉपी करना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिंपली आपको ऐसे ही यहाँ पे से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे और उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक बार इंटर मार देना है ताकि ये पता चल सके कि भाई कहाँ पे कोड पेस्ट हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आप 19 कर दें, ठीक है, 2019 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपने साइट का URL दे देंगे और यहाँ पे आप लोग अपना नाम वगैरह यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने साइट का मान लीजिए यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है, आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं, जो भी URL देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे technologytipsisrael.com यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप जो कुछ भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। चलिए मैं अपने यहाँ पे यही साइट का URL यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग नाम चेंज करना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक इसराइल, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया टेक इसराइल। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टेक इसराइल हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहोगे कि
कहने का मतलब है कि ऑल राइट रिजर्व जो है इसे भी अगर आप लोग चेंज करना चाहोगे तो बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हो। इतना करने के बाद अगर आप सोचोगे कि हम सेव थीम कर दें और ये सेव हो जाएगा, तो ये सेव नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट किया है ये ओपन है, इसे आपको क्लोज करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लोजिंग टैग देना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग स्पेस देने के बाद यहाँ पे आप इस कोड को पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कोड को आपको पेस्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसे सेव करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब चलिए हम लोग इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो सिंपली दोस्तों ये पेज अभी रिफ्रेश हो रहा है, कंप्लीट जैसे रिफ्रेश होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक इसराइल आ गया है यहाँ पे, और ऑल राइट रिजर्व भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट हमारा साइट यही फिर से ओपन होगा, जो कि दोस्तों प्रीमियम टेम्पलेट में आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी तरह के ब्लॉगर टेम्पलेट का क्रेडिट को बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।